दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका ब्रेकअप हो जाने के बाद उसे एक सुपर पावर मिल जाती है जिसमें वो समय रोककर लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैशबैक मूवी को, जो कि 2006 में रिलीज की गई थी। ये एक हॉलीवुड फैंटेसी मूवी है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर बैन को देखते हैं, जो कि एक अच्छा आर्टिस्ट होता है और उसे अलग अलग तरह की आर्ट बनाना अच्छा लगता है। बैन आर्ट गैलरी में जाता है और सभी स्टूडेंट के साथ आर्ट बनाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैन का हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह से बैन डिप्रेशन में चला गया था और रातों को सो नहीं पाता था। इसलिए उसे इंसोमिया नाम की एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है, जिसमें व्यक्ति चाहकर भी रात को सो नहीं पाता। अब बैन कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिसमें लिखा था कि उन्हें नाइट में काम करने के लिए एक वर्कर की ज़रूरत है। बैन को वैसे भी रात में नींद नहीं आती है और टाइम पास नहीं होता है, इसीलिए वो यहाँ जॉब कर लेता है। लेकिन यहाँ बैन का बॉस बहुत ही खड़ूस होता है और वो ज़्यादातर बैन को डांटता रहता है। बैन के साथ एक लड़की काम करती है जिसका नाम होता है सैरन। सैरन बैन को अच्छी लगती है और वो उसे पसंद करने लगता है। इस सुपर मार्केट में दो बंदे और होते हैं जो कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। इसमें एक का नाम होता है मैट और दूसरे का नाम होता है बैरी। ये दोनों बड़े ही हरामी होते हैं, क्योंकि जब भी कोई फीमेल शॉप में सामान खरीदने के लिए आती है, ये दोनों उस फीमेल कस्टमर की ट्रॉली में अडल्ट टॉय रख देते हैं और फिर कैश काउंटर पर पहुंचने पर ये लोग उन्हें घूर घूर कर देखते हैं कि कौन सी लड़की उन टॉयज को खरीदती है और कौन सी इग्नोर करती है। फिर कुछ दिनों बाद सैरन की नाइट शिफ्ट होती है। बैन सैरन की ओर अट्रैक्टिव होता है, इसलिए उससे अच्छी तरह से बातें करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी बैन जब सुपरमार्केट में अकेला होता है या फ्री होता है तो उसे बोरियत होने लगती है और उसका मन नहीं लगता। एक बार बैन ऐसे ही इमेजिन करता है कि मान लो अगर सारा टाइम फ्रीज कर दिया जाए तो वो अकेले में क्या क्या कर सकता है। लेकिन बैन को क्या पता था कि ऐसे इमेजिन करने से टाइम सच में फ्रीज हो जाएगा। टाइम सच में फ्रीज हो जाता है और शॉप में जितने भी लोग होते हैं वे सब वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं, यानी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। ये देखकर बैन पहले तो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वो उन फ्रिज लोगों के बीच में घूमने लगता है। अब बैन जो चाहे जिस इंसान के साथ चाहे कुछ भी कर सकता है और वो ऐसा ही करता है, क्योंकि वो फीमेल बॉडी से काफ़ी अट्रैक्ट होता है। इसलिए वो उनके कपड़े उतारकर उनकी ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। फिर ड्राइंग करने के बाद भी वो देखता है कि उसका खड़ूस बॉस भी यहाँ खड़ा होता है, जिसे वो वहाँ से हटाकर एक गिरती हुई दूध की बोतल के सामने खड़ा कर देता है, जिससे कि जब टाइम अनफ्रिज हो तो वो दूध की बोतल बॉस के ऊपर गिरे और फिर वो बाहर आकर टाइम को अनफ्रीज कर देता है। उसके बाद हमें बैन का बचपन दिखाया जाता है कि किस वजह से वो फीमेल बॉडी से इतना अट्रैक्ट होता है। बैन के बचपन में मताली नाम की एक लड़की उनके घर रेंट पर रहती थी, जो अक्सर नहाने के बाद न्यूड होकर बैन के सामने से ही अपने रूम में जाया करती थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इसलिए बैन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। बैन और उसका फ्रेंड सोन दोनों बचपन में बहुत बड़ी बड़ी हरकतें किया करते थे। ये दोनों पैसे कलेक्ट करके एक लड़की नताली को दिया करते थे, जिसके बदले नताली उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। और एक बार तो इन दोनों ने हद ही कर दी। जब ये दोनों सोन के घर होते हैं तो सोन की मदर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चली जाती है, तो ये दोनों उसका फ़ायदा उठाकर सोन के पेरेंट्स की अडल्ट मैगजीन को देखने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सोन की मदर आ जाती है। उसे देखकर ये रूम से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। और जब सोन की मोम घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि इन दोनों बच्चों की गन लोड हो रखी है, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं कहती और इग्नोर करके चली जाती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि बैन और उसके दोस्त और बॉस मिलकर एक अपोजिट टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, लेकिन खेलते समय बॉल अचानक से बॉस के मुंह पर लग जाती है। पर तभी बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और अंदर जाकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ देखता है कि उसके अलावा कोई और भी है जो इस फ्रीज टाइम के अंदर अनफ्रीज रह सकता है। पर बैन उसका चेहरा देखता उससे पहले ही वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर जब बैन वापस मैच में आकर टाइम को अनफ्रीज करता है तो हम देखते हैं कि उसके बॉस के मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैन और सैरन एक डेट पर गए हुए हैं। फिर डेट के बाद बैन सैरन को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहां सैरन उसे किस करके घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन उसके बॉस ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए उन्होंने एक पार्टी रखी है। उसमें तुम सब इन्वाइट हो और साथ ही पार्टी में मेरे कुछ पर्सनल गेस्ट भी आने वाले हैं। पार्टी में जाने के लिए सैरन बैन को बोलती है कि तुम भी चलना, बड़ा मज़ा आएगा। बैन हाँ कर देता है। फिर हम बैन के दोस्त मैट और बैरी को देखते हैं, जो कि बैन से मजा लेने के लिए उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम आर्ट गैलरी से बोल रहे हैं, हमें तुम्हारी आर्ट बहुत पसंद आई, इसलिए हम तुम्हें एक अपॉइंटमेंट देते हैं
जिसमें हम तुम्हारी आर्ट देखना और तुमसे मिलना चाहते हैं। बैन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और फिर ये बात बैन सैरन को बताता है। सैरन को भी ये गुड न्यूज़ सुनकर अच्छी लगती है। उसके बाद ये दोनों पार्टी के अंदर जाते हैं, जहाँ जाके ये देखते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और पार्टी में इनके बॉस ने एक स्टिपर भी बुला रखी थी, जिसे बैन पहले से ही जानता था। इस लड़की का नाम नेताली होता है और ये वही लड़की होती है जिसको बैन और उसका दोस्त बचपन में न्यूड देखने के लिए पैसे दिया करते थे। और साथ ही इस पार्टी में बैन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी आई हुई होती है, जिसका मूवी के स्टार्टिंग में बैन के साथ ब्रेकअप हो गया था। और अब सूजी बैन के बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड होती है। जब सूजी बैन को देखती है तो उसके पास आकर उसके पास्ट के लिए बैन से सॉरी बोलती है और उसे फिर से पाना चाहती है, जिसके लिए वो उसे किस करने लगती है। लेकिन बैन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, इसीलिए बैन सूजी को पीछे हटा देता है। लेकिन ये सब पीछे खड़ी हुई सैरन देख लेती है और वहाँ से नाराज़ होकर जाने लगती है। लेकिन तभी बैन सैरन को जाते हुए देख लेता है, इसलिए बैन टाइम को वहीं पर फ्रीज कर देता है और सोचने लगता है कि काश मैं टाइम को रिवर्स भी कर सकता। और जब कुछ देर बाद वो टाइम को अनफ्रीज करता है तो सैरन वहाँ से चली जाती है। फिर अगली रात बैन सैरन के घर उसे मनाने के लिए जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। लेकिन सैरन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, इसलिए उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। जिसके बाद बैन सोचता है कि सैरन कल जब शॉप पर आएगी तो मैं वहाँ उसे मनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन नेक्स्ट डे सैरन शॉप पर नहीं आती। ये देखकर बैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसे लगता है कि मेरी वजह से सैरन ने अपनी जॉब छोड़ दी, जिसकी वजह से बैन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका आर्ट गैलरी में जाने का टाइम हो जाता है और वो उस आर्ट गैलरी में चला जाता है, जहाँ उसके दोस्तों ने उसके साथ फ्रैंक करके उसे बुलाया हुआ होता है। बैन आर्ट गैलरी में जाकर वहाँ के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे बोलता है कि वैसे तो मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, लेकिन जब तुम आ ही गए हो तो अब तुम अपनी ड्राइंग दिखा सकते हो। जब बैन अपनी ड्राइंग उसे दिखाता है तो मैनेजर को उसकी ड्राइंग काफ़ी पसंद आती है और वो इसीलिए उसकी ड्राइंग का एक आर्ट शो करवाने को कहता है, जिसका एक इनविटेशन कार्ड बैन सैरन को भेज देता है। और जब सैरन उस आर्ट शो में जाती है तो वहाँ की दीवारों को देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ की दीवारों पर जितनी भी पेंटिंग लगी हुई होती है वे सारी की सारी सैरन की होती है। और ये देखकर वो समझ जाती है कि ये सारी पेंटिंग बैन ने ही बनाई है। जिसके बाद सैरन बहुत खुश होती है और बैन से मिलती है। बैन उसे फिर से सॉरी बोलता है, पर सैरन उसे कहती है कि ये सारी पेंटिंग देखकर मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर बैन बहुत खुश होता है और सैरन को किस करने लगता है और फिर टाइम फ्रीज कर देता है। लेकिन इस बार इस फ्रीज टाइम के अंदर बैन के साथ सैरन भी घूम सकती थी, तो इसीलिए बैन सैरन को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है और इस खूबसूरत नज़ारे में जाकर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पर इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।